ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೋದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಹಿತ ಕರ್ನೆಕಿ ಅವಸರ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ನೆಕಿ ಉಸ್ಕೋ ಕ್ರಿಯಾನ್ವಿತ ಕರ್ನೆಕಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಯೇ ಬಿ ಬತಾತಾ ಹೈ ಕಿ ದೇಶ್ ಕಿ ತರಕ್ಕಿ ಮೇ ಸಾರೆ 130 ಕರೋಡ್ ದೇಶವಾಸಿ ಮಜಬೂತಿ ಔರ್ ಸಕ್ರಿಯತಾ ಸೇ ಜುಡ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಔರ್ ಮೇ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಜರೂರ್ ಕಹೂಂಗಾ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಮೇ ಮುಜೆ ಇತನೆ ಚಿಠಿಯಾಂ ಆತಿ ಹೈ ಇತನೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆತೆ ಹೈ ಇತನೆ ಸಂದೇಶ ಮಿಲ್ತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಶಿಕಾಯತ್ ಕಾ ತತ್ವ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಕಿಸಿನೆ ಕುಛ್ ಮಾಂಗಾ ಹೋ ಅಪ್ನೆ ಲಿಯೆ ಮಾಂಗಾ ಹೋ ಐಸಿ ತೋ ಏಕ್ ಭಿ ಬಾತ್ ಗತ 5 ವರ್ಷ ಮೇ ಮೇರೆ ಧ್ಯಾನ್ ಮೇ ನಹೀ ಆಯಿ ಹೈ आप कल्पना कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखे लेकिन खुद के लिए कुछ मांगे नहीं इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं कितनी ऊंची होगी. मैं जब इन चीजों को एनालिसिस करता हूं आप कल्पना कर सकते हैं मेरे दिल को कितना आनंद आता होगा मुझे कितनी ऊर्जा मिलती होगी. आपको कल्पना नहीं है कि आप मुझे चलाते हैं आप मुझे दौड़ाते हैं आप मुझे पल पल प्राणवान बनाते रहते हैं और यही नाता मैं कुछ मिस करता था. आज मेरा मन खुशियों से भरा हुआ है. जब मैंने आखिर में कहा था कि हम 3-4 महीने के बाद मिलेंगे तो लोगों ने उसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले थे और लोगों ने कहा अरे मोदी जी का कितना कॉन्फिडेंस है उनको भरोसा है. कॉन्फिडेंस मोदी का नहीं था ये विश्वास आपके विश्वास के फाउंडेशन का था. आप ही थे जिसने विश्वास का रूप लिया था और इसी के कारण सहज रूप से आखिरी मन की बात में मैंने कह दिया था कि मैं कुछ महीनों के बाद फिर से आपके पास आऊंगा. एक्चुअली मैं आया नहीं हूं आपने मुझे लाया है आपने ही मुझे बिठाया है और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का अवसर दिया है. इसी भावना के साथ चलिए मन की बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था. जन जन के दिल में एक आक्रोश था खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी. दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती इसका पता नहीं होता है. वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है. आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है. जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था. और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है. समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है. लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है लोकतंत्र हमारी संस्कृति है लोकतंत्र हमारी विरासत है और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं और आपातकाल में हमने अनुभव किया था. और इसीलिए देश अपने लिए नहीं एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था. शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों के अधिकारों की आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था. हाल ही में लोकतंत्र का महापर्व बहुत बड़ा चुनाव अभियान हमारे देश में संपन्न हुआ. अमीर से लेकर गरीब सभी लोग इस पर्व में खुशी से हमारे देश के भविष्य का फैसला करने के लिए तत्पर थे. जब कोई चीज हमारे बहुत करीब होती है तो हम उसके महत्व को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं उसके अमेजिंग फैक्ट्स भी नजरअंदाज हो जाते हैं. हमें जो बहुमूल्य लोकतंत्र मिला है उसे हम बहुत आसानी से ग्रांटेड मान लेते हैं
लेकिन हमें स्वयं को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही महान है और इस लोकतंत्र को हमारी रगों में जगह मिली है सदियों की साधना से, पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों से, एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से। भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़। यह संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं, अगर एक चीन को हम छोड़ दें, तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया था। जितने मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, उनकी संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है, करीब दोगुनी है। भारत में कुल मतदाताओं की जितनी संख्या है, वह पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। यह हमारे लोकतंत्र की विशालता और व्यापकता का परिचय कराती है। 2019 का लोकसभा का चुनाव अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। आप कल्पना कर सकते हैं, इस प्रकार के चुनाव संपन्न कराने में कितने बड़े स्तर पर संसाधनों और मानव शक्ति की आवश्यकता हुई होगी। लाखों शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन रात मेहनत से चुनाव संभव हो गया। लोकतंत्र के इस महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जहां अर्धसैनिक बलों के करीब 3 लाख सुरक्षा कर्मियों ने अपना दायित्व निभाया, वहीं अलग अलग राज्यों के 20 लाख पुलिस कर्मियों ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की। इन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया। मतदान के लिए पूरे देश में करीब 10 लाख पोलिंग स्टेशन, करीब 40 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन, 17 लाख से ज्यादा वीवीपैट मशीन। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा तामझाम।